हेलो, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया चाप, वो भी घर पर। तो इसके लिए मैंने देखिए सोयाबीन की दाल ली है। ये बहुत ही इजीली किसी भी ग्रोसरी शॉप पे या किराने की शॉप पे आपको मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ मैंने लिया है सोया चंक्स। तो इन दोनों को मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था और इनका पानी मैंने अच्छे से निकाल दिया है। तो इसको आप रात भर के लिए भिगो दीजिए ताकि ये जो दाल है हमारी सॉफ्ट हो जाए। मैं आपको दिखाती भी हूँ ये दाल किस तरीके से दिखती है। ये देखिए, ये सॉफ्ट हो गई है। रात भर के लिए मैंने इसे भिगो दिया था दोनों को और इनका पानी अच्छे से मैंने निकाल दिया है। ये जो रेसिपी है, मैं एक मेरी यूट्यूबर फ्रेंड हैं प्रज्ञा झा, उनकी रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। उन्होंने बोला था कि दी आप जो रेसिपी बनाते हैं चाप की अच्छी लगती है, बट हमारे यहाँ पे चाप अवेलेबल नहीं होती। तो एक बार आप बना के दिखाइएगा। तो देखिए इस तरीके से होती है जो सोयाबीन की दाल है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे में क्या करना है। आगे ये जो हमें दाल है और ये सोयाबीन है, इन दोनों को हमें पेस्ट बनाना है। आप ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालिए। अगर लगता है कि पीसने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा आप आधा एक चम्मच पानी डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा पानी आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो आपका आटा नहीं लगेगा। तो ये देखिए मैंने निकाल ली है। इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट और इसके साथ साथ मैंने एक कटोरी मैदा लिया है। तो हमें इसे मैदे से गूंदना है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालिएगा और इसका एक डो बना लीजिए। तो इतनी मतलब एक एक कटोरी जो हमारी दाल और सोया चंक थी ये मैंने पीसे हैं। तो इसके अंदर मुझे 2 से 2.5 कटोरी मैदा लगाए और ये डो हमारा बन गया है। अब इसको हम साइड रख देंगे 15 मिनट के लिए और उसके बाद फिर इसके आगे की तैयारी करते हैं। 15 मिनट के बाद देखिए डो हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसकी लोई बना लेंगे और उनको बेल लेंगे। बहुत ही इजी होता है इसको बनाना और बहुत ही जल्दी बन जाती है। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा घर पर। बाहर से बहुत ही हेल्दी होती है क्योंकि आप बाहर मार्केट से लेके आते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कौन कौन से इन्ग्रीडियंट वो उसमें डालते हैं। आप ये घर पर बना रहे हैं तो एक हेल्दी वर्जन बन जाता है हमारा। तो अब इस तरीके से देखिए हम इसे बेल लेंगे। तो ये जो हमें रोल है इस तरीके से बेलना है, ना तो ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। अगर आप मोटा बेलेंगे तो वो कच्चा रह जाएगा और पतला बेलेंगे तो जब आप उसे स्टिक्स पे लगाएंगे तो वो टूटता रहेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने बेल लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे, इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, हम आइसक्रीम स्टिक लेंगे। ये भी बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। ये देखिए, अब हम एक स्ट्रिप उठाएंगे और इसको इस तरीके से आगे से पहले प्रेस कर देंगे और इस पर ओवरलैप करते रहेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और कोशिश कीजिएगा कि आप लंबा बेल पाएँ इसे ताकि एक स्ट्रिप से ये जो आपकी स्टिक है कवर हो जाए। तो मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, स्टिक पे आप स्टार्टिंग का जो पॉइंट है उसको हल्का सा दबाएंगे और इसको ओवरलैप करते जाएंगे और जो एंड का पॉइंट बचेगा उसको भी आप नीचे से हल्का सा दबा दीजिएगा ताकि जो हमने ये लगाया है इस पे ये खुले ना। तो बस इसी तरीके से सारी चाप तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारी चाप तैयार कर ली है और एक कढ़ाई में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा था। पानी बॉईल हो जाए तो उसके अंदर ये स्टिक्स हम डाल देंगे। आपको स्टिक डालने के बाद इसको बिल्कुल भी नहीं चलाना। जब ये कुक हो जाएंगी अपने आप ऊपर ये आ जाएंगी। एक बॉईल आ गया है और देखिए हमारी जो स्टिक्स हैं ये ऊपर आ गई हैं। बस इसको हमने 2 मिनट के लिए और कुक करना है ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। ये जो स्टिक्स हैं इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो स्टोर करने का प्रोसेस मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। देखिए ये सॉफ्ट हो गई हैं और ये मैंने देखिए बर्फ़ का पानी लिया है।
अब जो स्टिक्स हैं हम उसमें डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाए। सारी स्टिक्स इसके अंदर डाल देंगे। अब रही इसको स्टोर करने की बात, तो अगर देखिए फर्स्टली तो आप इसे अभी भी बना सकते हैं, और दूसरा अगर आपको इसे स्टोर करना है तो फिर आप इसे ठंडे पानी में रख के, और अगर ऐसे ही फ्रिज में रखते हैं तो हफ्ते भर तक ये ख़राब नहीं होगी, और एक आप एयर टाइट कंटेनर में या जिप वाला जो बैग आता है उसमें स्टोर करके फ्रीजर में रख दीजिए। जैसे कि हम मटर को स्टोर करते हैं तो महीने भर तक ये ख़राब नहीं होती। अब मैं निकाल के दिखाती हूँ इसकी स्टिक कितनी ईजीली निकल जाएगी। ये देखिए कितनी ईजीली ये निकल रही है। अब मैं कट भी करके दिखाती हूँ कि इस पर कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं और सॉफ्ट है। ये देखिए कितनी अच्छी इस पर लेयर्स भी आ गई हैं और कितना ये सॉफ्ट है। तो एक बार इसे ज़रूर बना के देखिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो रेडी है हमारी सोया चाप, वो भी घर पर। तो आपको इस मेथड से कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आई होप जिसके लिए मैंने ये रेसिपी बनाई है उनको भी ये मेथड समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।